आप अपना घर बनाने के लिए सप्लायर से ईंट मंगवा लिए, लेकिन दिक्कतें क्या आई कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई जितना ईंट का हमने सप्लायर को पैसा दिया है उतना ईंट उस गाड़ी में भेजा या ना भेजा। चाहे वो गाड़ी आपका ट्रैक्टर हो सकता है, चाहे डंफर हो सकता है, चाहे हाइवा हो सकता है। हाइवा तो नहीं बोल सकते, डंफर और ट्रैक्टर में ज़्यादातर ईंट आते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप बैठे बैठे बस कुछ करना नहीं है, जाके मेजरमेंट टेप लेना है, डंफर का साइज नापना है और ईंट का साइज नापना है, और आपको निकल जाएगा कि भाई नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है कितना आपने मंगवाया आया है। और भले ही 10 से 20 पीस आगे पीछे कैलकुलेशन में हो सकता है, क्यों? क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम हम निकालेंगे वो प्रॉपर जो है सटा हुआ रहेगा तब निकलेगा, और थोड़ा सा लेकिन जब ईट लोडिंग होता है उस समय थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हटने की वजह से जो है 10 से 20 ब्रिक हो सकता है आगे पीछे हो, उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अनुमान लग जाना चाहिए, कहीं डिफरेंस 200-300 ब्रिक का ना हो जाए। अब इस चीज को लेकर के आज हम इसी ट्रिक को यहाँ पे पूरा बताएंगे, और आप जो है बोलेंगे वाह क्या बात है, इतना इजी तरीके से जो है निकल गया। चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज आपको जानकारी में होना चाहिए वो ये है कि भाई आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे डंपर जो है, यहां आया है डंपर से, ठीक है, डंपर का साइज की अगर हम बात कर ले, यहां पे डंपर का साइज आपका 10 फीट इंटू 6 फीट इंटू 2 फीट, तो 10 फीट सॉरी यहां पे डंपर का साइज आपका 13 फीट का है, माफ कीजिएगा हम इसको इरेज कर देते हैं, डंपर आप ये है इसका 13 फीट का डंपर का साइज आपका 13 फीट यहां लिख दिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 13 इंटू 6 इंटू 2 156 क्यूबिक फीट आ गया CFT। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, 156 क्यूबिक फीट आपका आ गया। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं, तो डंफर का हमने निकाल लिया, और ब्रिक की अगर हम साइज की बात करें, ब्रिक साइज मेरा कितना है, ब्रिक साइज आता है ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उस तरह, इस तरह से आता है 9 इंची इंटू 4.5 इंची इंटू 3 इंची। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे फिट में तो 9 इंची डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ना जाएगा 0.75 फिट इंटू 4.5 इंची को 4.5 डिवाइड बाय कर देंगे 12 आ जाएगा 0.375, और 3 इंच करेंगे 0.25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 इंटू 0.375 इंटू 0.25 कर देंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों, 0.0703 इतना CFT। तो अब फॉर्मूला यहां पे आ गया, क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू डंपर वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रिक वॉल्यूम, जो ब्रिक का वॉल्यूम आएगा मतलब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 156 CFT आपका हो गया डंपर का, और 0.0703
आपका हो गया सीएफटी ब्रिक का। तो 156 डिवाइड बाय 0.0703 आ गया 2219, इतना आपका ब्रिक्स। लेकिन ये लमसम जो है 2200 ब्रिक्स आता है। अब ये 19 ब्रिक्स एक्स्ट्रा कैसे हो गया भाई? यहाँ पे तंबन में क्या बोला कि पूरा ब्रिक जो है पूरा सट के रहेगा, तब आएगा आपका जो है 2200, ठीक है, 2219। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो गैप रहता है, जैसे कि आप यहाँ तक ब्रिक रखा हुआ तो गैप हल्का हल्का दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट आता है। इसलिए एक डंफर में जिसका साइज जो है तो वो आपको बताएगा कि हम 2200 ब्रिक्स भेजे हैं, तो आपका यहाँ कैलकुलेशन ठीक हो गया, तो आपका ऑलमोस्ट ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका है आपका ब्रिक का, डंफर में कितना ब्रिक आया उसका वॉल्यूम निकालने का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस होता है। जब जब सिविल इंजीनियर पकमर को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।